everyone, and original Pakistani Pathan Akleem is back. Or I'm sorry, मैं एक हफ्ते से मेरा चैनल तकरीबन terminate हो गया था. मेरी सारी उम्मीदें खत्म हो गई थी. आप literally अगर आप पाकिस्तानियों की language में मैं बताऊँ कि कैसा feel कर रहा था, तो अगर आपका अपने नया mobile खरीदा है और बेहतरीन आपका पसंदीदा mobile है, आपने काफी मेहनत करके पैसे जमा करके mobile एक खरीदा है और वो पहले दिन ही अगर आपसे छिन जाए, मग्ध हो जाए, तो क्या हमारे साथ होता रहता है कराची और पाकिस्तानियों के साथ अक्सर ही प्रॉब्लम रहती है. तो वो जो फीलिंग्स होती हैं, आप समझ सकते हैं कि मेरी क्या फीलिंग्स थी कि मेरा चैनल, जिसके ऊपर तकरीबन मैं एक साल से काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, पैसे लगा रहा हूँ, वीलॉग बना रहा हूँ. ऑफकोर्स जब मैं वीलॉग बना रहा हूँ तो खाना खाने जाता हूँ, फूड वीलॉग्स होते हैं मेरे ज़्यादातर, तो खाना खाने जाता हूँ, वहाँ पर काफ़ी खर्चा होता है. इसके अलावा मैं अपनी वीडियोज़ को प्रमोट कर रहा होता हूँ यूट्यूब के ऊपर, तो उसमें भी काफ़ी पैसा लगता है. जितनी भी मेरी सेविंग थी वो मैं लगा रहा हूँ, और एक हफ्ते से मैं तकरीबन वीडियोज़ बना रहा हूँ, यहाँ पे लगा रहा हूँ. तो आप लोग सोच सकते हैं कि मैं किस तकलीफ से था. एक हफ्ते तक मेरा यूट्यूब चैनल टर्मिनेटेड था. गलती मेरी अपनी थी, और वो छोटी सी ये गलती थी कि मेरा जो अभी जीमेल एड्रेस है जिससे मेरा यूट्यूब चैनल लिंक है, वो जो है उससे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, कोई मसला था, जिससे मैं उस ईमेल आईडी से मैं गूगल एडसेंस अकाउंट नहीं बना पा रहा था. तो मैंने दूसरी आईडी के, अपने भाई की आईडी के साथ जो है उसको अपने चैनल को लिंक कर दिया था. मेरे भाई का अपना भी एक चैनल था डे ऑफ वर्ल्ड के नाम से, उसमें वो डॉक्यूमेंट्रीज अपलोड करता था, तो उसको 3 स्ट्राइक की वजह से उसका चैनल बंद कर दिया गया था. क्योंकि मेरे चैनल का गूगल एडसेंस अकाउंट उसके साथ लिंक था, तो उस वजह से यूट्यूब थिंक कि मेरा उस चैनल के साथ किसी किस्म का लिंक है, उस लिंक के बेसिस पे मेरा चैनल भी टर्मिनेट कर दिया गया था. एंड आपको मैंने दोबारा बताया कि मेरी क्या फीलिंग थी, वेल डोंट नो. वाकई में यार आई वॉज लॉस्ट, आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड. एक हफ्ते तक समझे मैं पागल हुआ हुआ था, मैंने क्या नहीं किया मैं जानता हूँ, बट दे आर टू पीपल जिनकी वीडियोज़ जो हैं वो यूट्यूब के ऊपर मौजूद हैं, दे आर वेरी ब्रिलियंट पीपल, एंड उनकी मैंने वीडियोस देखी थी काफ़ी, 2-3, जिसकी वजह से मुझे हेल्प मिली थी कि मुझे स्टेप क्या लेना है, मुझे क्या करना है और किस तरीके से जो है यूट्यूब को अप्रोच करना है. क्योंकि अगेन मैं अपनी एक वीडियो में पहले बता चुका हूँ कि ऑफिशियली यूट्यूब पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है, तो इट्स वेरी मुश्किल, काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि आप डायरेक्ट यूट्यूब से बात कर सकें. लेकिन दीज टू गाइज एक इंडिया से हैं, टेक्निकल विप्रो, इनका भी चैनल 3 स्ट्राइक की वजह से टर्मिनेट हो गया था, और इन्होंने बताया कि यार यू शुड, तुम्हारे पास 7 दिन है, 7 दिन के अंदर अंदर तुम्हें फॉरन यूट्यूब से support@youtube.com एंड copyright@youtube.com इन 2 से फॉरन अप्रोच करो, ईमेल करो, अपने जितने तुम्हारे पास लीगल तरीका है, तुम्हारे पास कोई भी अकाउंट है, तुम प्रमोट कर दो, तुम अपनी वीडियोज़ हैं जो भी हैं, तुम अपने कंटेंट के बारे में बात करोगे, या तुम्हारा कंटेंट किस किस्म का है, तुम्हें किसी किस्म के मेरे पास, और इससे पहले कोई मेरे पास ना क्लेम है, एक आई थिंक क्लेम है, और इसके अलावा किसी किस्म का स्ट्राइक नहीं, मेरा चैनल की हेल्प बहुत ज़बरदस्त है और अच्छा चल रहा है. तो तुम्हें ये सब स्क्रीन शॉट्स लेके support@youtube.com और copyright@youtube.com इस पर तुम ईमेल करो, वो तुम्हें रिस्पॉन्स देंगे, और अगर लगा तो विद इन 7 डेज तुम्हारा जो चैनल है वो खुल जाएगा. तो या वही हुआ कि 7 दिन बाद आज तकरीबन 1-2 घंटे पहले मेरा YouTube चैनल जो है वो दोबारा लाइव हुआ है, और उससे मुझे पता चला है कि क्या कहते हैं, ईमेल के थ्रू मुझे पता चला था कि ओके आपका चैनल जो है अब वो लाइव हो गया, एंड नाउ यू कैन एक्सेस टू योर वीडियोज़, तुम्हारा काम है तो उसी चीज़ों पर आप एक्सेस कर सकते हैं और अपनी वीडियोज़ और चैनल को बना सकते हैं. तो थैंक यू यूट्यूब, थैंक यू सो मच टीम support@yahoo.com एंड टीम copyright@yahoo.com. दे लिसन टू मी एंड दे अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम. हाँ, मेरी गलती थी, उस अभी मैं अपने चैनल को उस टर्मिनेटेड चैनल के साथ जो मेरा लिंक था वो मैंने ख़त्म कर दिया है, और मैं अब दूसरा गूगल एडसेंस के साथ जो जेन्युइन एडसेंस जिनका चैनल है और उनके साथ किसी किस्म की स्ट्राइक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके साथ मैं अपना लिंक करूँगा. सेकेंड मैं बात करूँगा आइन कोजेन, ही इज़ अ लॉयर एंड ही इज़ यूट्यूबर, कॉन्टेंट क्रिएटर. वो जो YouTube के साथ जो भी लीगल प्रॉब्लम्स होती हैं, या आप अगर कोई मसला हो गया आपको, तो कैसे लीगली विद इन लीगल बाउंड्रीज आपको जो है अपने चैनल के साथ वो प्रॉब्लम जो अगर आपको YouTube कह रहा है उससे आपको कैसे मसले से निकलना है, और लीगली किस तरीके से YouTube से बात करनी कि वो आपके चैनल को जो है दोबारा से लाइव कर दे, वो लैंग्वेज, वो तरीका जो है वो मैंने इनकी वीडियो से देखे समझा था. ही इज़ लॉयर, अगेन ही इज़ अ लॉयर एज वेल, और ही टोल्ड मी वाकई में कि 90% मिस्टेक्स जो हैं वो कंटेंट क्रिएटर की होती हैं, और उसमें 10% जो होता है वो गलती से YouTube टर्मिनेट कर देता है. तो मैं उसने भी वजह बताएं कि क्या क्या वजूहत हो सकती है जिसकी वजह से आपका YouTube चैनल बंद हुआ है, और आप किस तरीके से अप्रोच करना है YouTube टीम YouTube को कि आपकी वो बात समझें, सुने और रिस्पॉन्स करें. तो आई मस्ट थैंक यू दीज टू गाइज, विभो, टेक्निकल विभो एंड आइन कुलजीन, जिनकी
मैं बात समझ के थोड़ा करके मैंने टेक्निकल जो प्रॉब्लम जो एक लीगल प्रॉब्लम हो रही थी कंटेंट क्लेम और स्ट्राइक की वो मैंने ख़त्म करी और फिर उसके बाद मैंने अप्रोच किया टीम यूट्यूब को और उनका मुझे रिस्पॉन्स मिला और मेरा चैनल लाइव है तो थैंक यू सो मच एंड गाइस प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल और ओरिजिनल पाकिस्तानी अगेन इज बैक और मैं सून क्या कहते हैं पेप्सी बैटल ऑफ द बैंक का सीजन स्टार्ट हो गया आई विल गिव रिएक्शंस ऑन दैट मूवी बहुत ज़बरदस्त आ रही है मैलिफिसेंट आई गिव मैलिफिसेंट टू बहुत अमेजिंग मूवी है उसके ऊपर मैं रिएक्शन दूंगा सून मेरी वीडियोज इस पे होंगे थैंक यू अगेन यूट्यूब टीम यूट्यूब विभो एंड आई फॉर हेल्पिंग मी गेटिंग माई चैनल बैक थैंक यू सो मच दिस इज पठानकिन अल्लाह हाफिज़